नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। एक रुपए की टॉफी और 300 करोड़ का बिजनेस, सुनने में ये जरूर अटपटा लगता है लेकिन ये सच है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की फेवरेट ये टॉफी 2 साल में 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। लोगों की जुबान को एक अलग स्वाद देने वाली ये टॉफी फरवरी 2015 में लॉन्च हुई थी। इस टॉफी का नाम पल्स है और इसे रजनीगंधा और कैच मसाला बनाने वाली कंपनी DS यानी धर्मपाल और सत्यपाल ग्रुप ने लॉन्च किया था। कंपनी ने कच्चे आम के स्वाद वाली टॉफी बहुत कम समय में लोकप्रियता हासिल कर ली। टॉफी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज 2 सालों में 300 करोड़ का बिजनेस कर डाला। पल्स ने अपने बेहद खास फ्लेवर की वजह से मार्केट पर कब्जा किया। कच्चा आम फ्लेवर के साथ लॉन्च हुई इस हाई बाइट कैंडी ने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। गुजरात रीजन से इसका ट्रायल शुरू किया गया और फिर लोगों की डिमांड पर इसे अन्य राज्यों में भी पहुंचाया गया। इस डिमांड को पूरा करने में DS ग्रुप के पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ली गई। भारत में बेहतरीन रिस्पांस मिलने के बाद DS ग्रुप ने इस कैंडी को सिंगापुर, UK, US में भी बेचना शुरू किया। इतना ही नहीं, DS ग्रुप ने इस मसाला बम फॉर्मूला को पेटेंट भी करा लिया।